रणकपुर की करुण पुकार, किसी को नहीं मेरी दरकार। हमारे देश की किसी अनमोल धरोहर को भारत सरकार यदि इंग्लैंड, अमेरिका और भारत की संयुक्त संपत्ति घोषित कर दे तो क्या कोई भी देश प्रेमी नागरिक उसे सहन कर पाएगा? श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन संघ के आलिशान तीर्थ रणकपुर का ऐसा ही कुछ हाल सरकार ने बना दिया है। पिछले कई सालों से राजस्थान सरकार का देवस्थान विभाग अपनी वेबसाइट पर ऐसी घोषणा कर रहा है कि दिस इज सेंटर ऑफ वर्शिप फॉर द जैन्स एंड हिंदूज एंड फॉर द जनरेशंस टू कम, अर्थात रणकपुर तीर्थ जैनों, हिंदुओं और आने वाली पीढ़ियों के लिए पूजा उपासना का केंद्र है। आगे बढ़कर ये मंदिर कौन से धर्म का है उसकी स्पष्टता करते हुए वेबसाइट पर बताया गया है कि जैन धर्म के मुख्य संप्रदाय के अनुयायी यानी श्वेतांबर मूर्ति पूजकों के साथ साथ सभी जैन और हिंदू लोग इस मंदिर की पूजा करते हैं। भविष्य में श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैनों के अधिकारों का और इस तीर्थ की पवित्रता का गला घोंट सके, ऐसी यह कातिल घोषणा सुनकर यदि हृदय में धर्म प्रेम जैसी कोई चीज हो तो व्यक्ति शांति से बैठ नहीं पाएगा। 15 साल पहले पूज्य गच्छाधिपति गुरुदेव श्री युगभूषण सुरेश्वर जी महाराज साहिब ने रणकपुर तीर्थ की प्रबंधक संस्था सेठ आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी को इस बात से अवगत कराकर उसे सतर्क किया था, लेकिन इस मामले में पेढ़ी ने कोई ठोस कार्रवाई की हो या भविष्य में इस तरह की आपत्ति न आए ऐसा इंतजाम किया हो ऐसा नहीं दिख रहा। दूसरी ओर राजस्थान सरकार का पर्यटन विभाग एक कदम आगे बढ़ रहा है। Amidst a forest-lined valley of the Aravali Hills stands the great Jain temple of Rānakpur, built in the 15th century. Nearly every inch of this temple has been chiseled to perfection with images from the Hindu and Jain texts. उनके बयान से तो ऐसा लगता है मानो वे तीर्थ के निर्माता धरना शाह से मिलकर आए। उनका कहना है कि इस तीर्थ में आकृतियां हिंदू और जैन धर्म शास्त्रों के मुताबिक बनाई गई है। ऐसा काल्पनिक बयान करने के पहले इतना भी ध्यान में नहीं लिया गया कि जैन धर्म को समर्पित एक श्रावक हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार भला क्यों आकृतियां बनवाएगा? क्या हम सरकार को पूछ सकते हैं कि उनके इस दावे का कोई सबूत है? क्या जैन धर्म शास्त्रों के अनुसार बनाई गई आकृतियां और अन्य धर्म शास्त्रों के अनुसार बनाई हुई आकृतियों के बीच छोटी बड़ी समानताएं नहीं हो सकती? उस समानता को लेकर हम उन आकृतियों को हिंदू शास्त्रानुसार कैसे कह सकते हैं? लेकिन ऐसे गंभीर दुष्प्रचार को रोकने के लिए भी अधिकृत व्यक्तियों में कोई सक्रियता नहीं दिख रही है। अंत में तीर्थ की मालिकी जिसके नाम पर कर दी गई है उस सरकारी वन विभाग ने जो धमाका किया है उसे हम ध्यान से सुनेंगे। Rānakpur Jain Temple stands on 1,444 pillars, each unique in design. The four directions of the temple symbolize the creation of the universe, the cosmos. The four directions of the temple symbolize the creation of the universe, the cosmos. Yani, इस मंदिर की चारों दिशा सृष्टि के सर्जन का प्रतीक है। सिर्फ खंभे नहीं, दीवारें नहीं, कला कारीगरी ही नहीं, लेकिन इस जैन मंदिर की चारों दिशा का मूल निर्माण ही हिंदू धर्म शास्त्रों के कॉन्सेप्ट के अनुसार हुआ है, क्योंकि जैन धर्म सृष्टि के सर्जन को तो मानता ही नहीं है और वन विभाग इस मंदिर की चारों दिशा को सृष्टि के सर्जन का प्रतीक बता रहा है जो हिंदू धर्म शास्त्रों की मान्यता है।
इसका दुष्परिणाम कैसा आ सकता है, क्या ये समझाने की जरूरत है? यहाँ पर आपने देखा कि विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा अधिकृत रूप से जाहिर में कैसी मनगढ़ंत बातें फैलाई जा रही है। ये कोई मामूली घटना नहीं है। यदि कोई झूठे प्रचार से खुद की कंपनी को बड़ा नुकसान हो रहा होता तो क्या तीर्थ की प्रबंधक पीढ़ी के ट्रस्टी चैन से बैठे रहते या इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते? लेकिन इस दुष्प्रचार को रोकने के लिए पीढ़ी के ट्रस्टियों ने कोई ठोस कदम उठाया हो ऐसा नहीं दिख रहा है। वास्तव में किसी भी संस्थान के अपने नीति नियम होते हैं। उसी तरह श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन संघ की भी एक मर्यादा है कि उनके धर्म स्थानों में श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैनों के अलावा किसी अन्य को प्रवेश भी करना हो तो वह श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन संघ की अनुमति के बगैर प्रवेश नहीं कर सकता। श्री रानकपुर तीर्थ का निर्माण एक जैन शावक ने कराया, जैन शास्त्रों के नियमानुसार कराया। तीर्थ की प्रतिष्ठा एक जैनाचार्य ने की है और इसकी मालिकी, कब्जा और संचालन भी सदियों से श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन संघ के अधीन ही चला आ रहा है। अतः ये तीर्थ श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैनों का ही है। यदि उन जैनों के अलावा यहाँ कोई दर्शनार्थी वगैरह आते हैं तो उनके पास खुद का कोई अधिकार नहीं है। वे लोग मंदिर में जैन संघ की अनुमति पूर्वक जैन संघ के नीति नियमानुसार ही प्रवेश, दर्शन, पूजा, भक्ति कर सकते हैं। और रही बात निर्माण शैली की तो उसमें इतना तो स्पष्ट है कि तीर्थ की आकृतियां या निर्माण जैन शास्त्रों के मुताबिक ही हुई है। इसलिए जैनेतर धर्म शास्त्रों के अनुसार तीर्थ का निर्माण या आकृतियां होने का तो सवाल ही नहीं उठता। यहां एक स्पष्टता जरूरी है। हमारे वीडियोस में तीर्थ की पहचान के बारे में हम इतनी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि जो जिसका है वो उसी का रहना चाहिए। हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि दूसरों के स्थान पर दावा करने या उसे रूपांतरित करने से बेवजह आपसी सौहार्द में दरार न डालें। आप ही सोचिए, क्या दूसरों के तीर्थ पर जैन अपना दावा करने लगे तो चलेगा? क्या ये उचित है? फिर भी इस प्रकार के कई भ्रामक प्रचार बेरोकटोक रूप से हो रहे हैं जिनमें कोई तथ्य नहीं है। यदि इस दुष्प्रचार को रोका नहीं गया और उसका सही तरीके से विरोध नहीं किया गया तो भविष्य में रानकपुर तीर्थ सार्वजनिक मंदिर है ऐसे दावे के साथ इन सारे सबूतों को कानूनी तौर पर पेश किया जा सकता है। अभी संक्रमण को रोकने का कोई ठोस उपाय नहीं बचा होगा। क्या हम ऐसे दिन देखने के लिए तैयार हैं? हरगिज नहीं। तो फिर जागने की जरूरत है। हम भी जागे, पीढ़ी को भी जगाए। चलिए जागृति का शंखनाद जगाए।